नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बीते दिनों तक 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, अब चौथे चरण के चुनाव के लिए रैलियां और रोड शो ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मैदान में मोर्चा संभाल लिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेता भी चुनावी रणभूमि में दम भरते नजर आ रहे हैं। इस दौरान सियासत के मंच पर जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार देखने को मिल रही है। इसी बीच कांग्रेस के लिए अमेरिका से सैम अंकल का पैगाम आया है। उनका यह पैगाम कांग्रेस नेताओं पर परमाणु बम बनकर फूटा। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं को सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेताओं ने तो सैम पित्रोदा के बयान से इस तरीके से पल्ला झाड़ा जैसे उन्होंने कुछ कहा ही ना हो। उधर ताक लगाए बैठी बीजेपी ने सैम के बयान को बिना देर लगाए दोनों हाथों से लपक लिया। बीजेपी ने अमेरिका से आए अंकल सैम पित्रोदा के बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने सैम पित्रोदा के बयान पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इस बीच बिहार की सियासत में नेताओं के जुबानी प्रहार मर्यादा की लीक से हटते जा रहे हैं। नेताओं के बीच वोटरों को लुभाने की ऐसी होड़ मची है कि वो अपने विरोधियों को कमजोर दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 24 के रण को जीतने के लिए नेताओं के ऐसी बयानबाजी कहीं ना कहीं बेपटरी होती जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री तो चले सीधे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, क्या कुछ खास है वहां पर देखिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश की सड़कों पर, चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ पवन कल्याण प्रधानमंत्री के साथ रथ पर सवार लोगों के बीच, लोगों का प्रेम अभिनंदन अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए इस रोड शो में एक भारी भीड़ आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री रथ पर सवार होकर चल पड़े हैं, ये विजय रथ जिससे पूरी उम्मीदें हैं विजय की। और ये रोड शो देखिए आप देख सकते हैं, साथ में लहराते हुए बीजेपी के झंडे, और इसी के साथ हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वहाँ मौजूद जनता फूल बरसा रही है, और साथ ही हाथों में मोबाइल फोन्स लेकर इस लम्हे को कैद कर रही है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को इतने करीब से देख रहे हैं, अपने प्रदेश की सड़कों पर, अपने शहर की सड़कों पर देख रहे हैं। चुनावी बिसात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयवाड़ा में रोड शो कर रहे हैं, और इस रोड शो में ये जो भीड़ पहुँची है उन सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री की मात्र एक झलक पाने के लिए लोगों का जो हुजूम उमड़ा है वो इस तरफ संकेत कर रहा है कि NDA की पहुंच फिलहाल दक्षिण द्वार तक तो है ही, भले ही बीजेपी को अभी फ्लैग शेयर करना पड़ रहा है अन्य पार्टियों के साथ, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब दक्षिण द्वार में भी बीजेपी की धमक और चमक दोनों नजर आएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी रैली की शुरुआत तेलंगाना के करीमनगर से की। पीएम मोदी ने सबसे पहले करीमनगर के राजराजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने करीमनगर में जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में भक्तों का अभिवादन किया। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। जनता के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को आगे लेकर जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे शासनकाल में लोगों की क्षमता को बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं किया। कांग्रेस ही देश में समस्याओं की सबसे बड़ी जननी है। करीमनगर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के वारंगल, मध्य प्रदेश के झबुआ और आंध्र प्रदेश के राजमपेट में भी जनसभाएं कर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। इस बीच पीएम मोदी ने वारंगल में पूर्व कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर एतराज जताते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने गुस्से में कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि संविधान को सिर पर रखकर नाचने वालों को चमड़ी के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान नहीं सहेंगे। चला कि अमेरिका में ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जाए? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं? शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। बीते कई समय से विपक्ष की साढ़े साथी चल रही है, शायद इसीलिए सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल विपक्ष कर रहा है। पूर्व कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का ताजा बयान कांग्रेस के लिए ऐसी गले की हड्डी बन गया जिसे ना तो कांग्रेस के नेता निगल पा रहे थे ना ही गले के नीचे उगल पा रहे थे। इस बीच खुद को विवादों में घिरते हुए देखकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, सैम पित्रोदा की ओर से भारत की अनेकता को लेकर के जो उपमाएं दी गई हैं वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, अस्वीकार्य है। कांग्रेस इन उपमाओं से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती है, अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन भी करती है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर वार करने की फिराक में बैठे बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो सैम पित्रोदा के बयान को राहुल गांधी का बयान करार दिया। उन्होंने कहा सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं,
तो वहीं INDIA गठबंधन ने भी खुद को सैम के बयान से अलग कर लिया। हालांकि सैम पित्रोदा ने अब खुद को भी पार्टी से अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने साफ कहा कि INDIA गठबंधन का सैम के बयान से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। सैम पित्रोदा वही बोलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, और सैम पित्रोदा जी का बयान महात्मा गांधी के उसूलों के खिलाफ है। मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी पूरी जिंदगी रंग भेद और जातिवाद की राजनीति के खिलाफ उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया। महात्मा गांधी रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर इस देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। सैम पित्रोदा के बयान से महात्मा गांधी की आत्मा दुखी हो रही होगी, रो रही होगी। मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के बयानों को देश के खिलाफ मानते हुए, इनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ, इनकी पार्टी के खिलाफ, इस सोच के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और RSS। RSS का तो खुला कहना है, भागवत जी का आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं संविधान बदलना है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। देश के मुद्दे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, देश के मुद्दे क्या है? आज देश का हर तरफ से जो युवा है बेरोजगार है, हर तरफ से महिला प्रताड़ित है, हर तरफ से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो उम्मीद में जो बैठा हुआ था कि उनके अभी अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन उनको मिले नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसानों का चारों तरफ से जो हालत हो रही है इनके कार्यकाल में देश ने देखा है। तो मैं कहूंगी कि ये सारे मुद्दे एक तरफ जो जनता के बीच के मुद्दे हैं, और दूसरी तरफ कि सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, ना हमें उससे कोई लेना देना है, ना ये देश का मुद्दा है, और ना ये देश उनकी कही हुई बातों पे किसी तरीके का रिएक्शन देना चाहेगा या प्रश्न चिन्ह उठाएगा। प्रश्न जो भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, भारतीय जनता पार्टी से। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। उधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने सैम पित्रोदा के बयान पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस नेता पित्रोदा का बयान सामने आने के बाद उन्होंने खुद को आईने में देखा तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के लोग भारतीय हैं और रहेंगे। इस बीच किरण रिजिजू ने भी सैम के बयान पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आसपास जो भी लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट को देखने का उनका तरीका बहुत गलत है। देखिए, सैम पित्रोदा और राहुल गांधी जो कहते हैं, जो सोचते हैं, अब सबको पता चल गया है।
देश को कमज़ोर करने के लिए, कभी अमेरिका का इनहेरिटेंस टैक्स को यहाँ लागू करने का बात करते हैं, कभी सारा भारत का रिसोर्सेस को मुसलमानों को हैंड ओवर करने का बात करते हैं, फिर जाति के नाम से पूरा देश को बांटने का काम करते हैं। अब फिर राहुल गांधी का जो एडवाइज़र हैं सैम पित्रोदा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो चाइनीज़ जैसे हैं, साउथ इंडियन लोग तो अफ्रीकन जैसे हैं। इस तरह का जो बयानबाजी है इसको आप लाइटली नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का सोच और सैम पित्रोदा का सोच, यही कांग्रेस पार्टी है। आज मैंने स्टेटमेंट देखा ये सैम पित्रोदा का, कैसा व्यक्ति है पता नहीं है। उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट का लोगों को चाइनीज जैसा देखता है। मेरा सहरा मैंने आईना में देखा और मैंने ही मेरा पता चला कि मुझको असामीज जैसा लगता है, मुझको इंडियन जैसा लगता है, कोई तरफ से मुझको चाइनीज जैसा नहीं देखता है। पता नहीं वो व्यक्ति का क्या है, एक रेसिस्ट कॉमेंट है, हमें दुख देने वाला कॉमेंट है। और चाइनीज का साथ हमारा सिमिलरिटी ढूंढ के व्हाट ही ट्राई टू प्रूव, पता नहीं उनका दिमाग में क्या है। लेकिन एक बात जरूर है, राहुल गांधी का एरे गेरे में जो भी लोग रहता है उनका जो नॉर्थ ईस्ट का ऊपर जो उनका डिस्ट्री है या नॉर्थ ईस्ट को जो देखने का जो उनका तरीका है, ये बहुत ही बात। नॉर्थ ईस्ट का लोग जो है, हम लोग प्राउड इंडियन है और मैं बोल सकता हूँ एज ए असामीज आई एम ए प्राउड असामीज। मणिपुरी लोग बोलेगा वी आर ए प्राउड मणिपुरी, नागाज विल स्पीक दैट दे आर प्राउड नागा, बट येट वी आर प्राउड इंडियन। मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं और कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। ये लोग देश को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। लगता है सोनिया गांधी ने सोच ली है ये इंडी गठबंधन बना करके भारत को तबाह करना। तो खैर चुनावी बयान है और इस बीच बयानों की भरमार भी आपको देखने को मिलेगी। सीधे रुख करिए उत्तर प्रदेश का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार प्रहार किया, हमला बोला। हरदोई की जनसभा में अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा कहते हैं कि वो सरकार में आएंगे तो धारा 370 और 3 तलाक वापस लाएंगे। इस बीच अमित शाह ने यूपी के दो लड़कों राहुल गांधी और अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा, ये दोनों शहजादे सत्ता में आए तो अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा नहीं कांग्रेस धूड़ो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले झूठा प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीट दोगे तो आरक्षण चला जाएगा। भाइयों बहनों, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर अगर किसी ने डाका डाला है तो अखिलेश यादव की साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम कर। कर्नाटक के अंदर उनको बहुमत मिला, मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये 5% आरक्षण किसका कटा? केवल और केवल मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों का आरक्षण कटने का काम एक कांग्रेस पार्टी।
आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार बनी, वहां पर भी मुसलमानों को आरक्षण दिया और किसका काट कर दिया? पिछड़ा वर्ग का काट कर। मैं आज खीरी के सामने कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ला दो, इस संविधान विरोधी मुस्लिम आरक्षण को हम समाप्त कर पिछड़ा वर्ग को देने का काम। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं। ये राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया, पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे जो हमारे यहाँ यूपी में ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये पिछड़ा विरोधी लोग हैं। अरे भाई, इनके पास तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं है। जब पत्रकारों ने उनको पूछा कि कौन बनेगा, तो कहते हैं बारी बारी एक एक साल बन जाएंगे। अरे खीरी वालों, ऐसे देश चलता है? अरे अखिलेश, ये परचूरण की दुकान नहीं है, ये देश है। देश एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, वो एक ही है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, मैं आज हरदोई मिश्रिक वालों के सामने कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकाल। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है, हमारे दोनों प्रत्याशियों को आगे आओ भाई, श्री जय प्रकाश रावत जी और अशोक रावत जी, दोनों के नाम के सामने आप जो कमल के निशान पर बटन दबाओगे, वो बटन दबाया हुआ वोट सीधे सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। ये दो कमल खिलाने से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का स्वप्न हमारा पूरा होने वाला है। भाइयों बहनों, गमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, सपा, कांग्रेस, ममता, ये सारे जो इकट्ठा हुए हैं, ये सारे 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करे। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को क्या बना दिया था, जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे, आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। क्या देश बना दिया था? बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। हम राफेल जहाज का बेड़ा नहीं खरीद पाए, हमारे पास एम्यूनिशन की कमी होती चली गई, हमने खरीद कर नहीं की। आज आपको जान करके खुशी होगी कि भारत आज डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे निकल चुका है। अब हम ले नहीं रहे हैं, हम दुनिया को दे रहे हैं, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई।
इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो या विकास का विषय हो या देश की आर्थिक नीति का सवाल हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं, आज 56,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिक चुकी है, और अभी अभी जयराम जी कह रहे थे कि मंडी तक रेल आएगी। मंडी तक रेल नहीं आएगी, मंडी तक रेल भी आएगी और प्लेन भी आएगा, हवाई जहाज भी आएगा, ये भी आपने याद। उधर ओडिशा के रायगढ़ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो कहा था वो किया है। 3 तलाक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी धर्म की माता, बेटी और बहन के साथ अत्याचार होगा तो सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे बीजेपी की सत्ता रहे या ना रहे। धर्म में 3 तलाक को समाप्त करने की बात हम लोगों ने कही। लोगों ने कहा था अब यह दूसरे धर्म के लोगों का मामला है, आप 3 तलाक क्यों समाप्त करेंगे, यह तो हिंदुओं का मामला नहीं है, मुसलमानों का मामला नहीं। बहनों भाइयों, हमने कहा कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी हमारे लिए बराबर हैं, और चाहे किसी धर्म में किसी धर्म की माता, बहन और बेटी के साथ कोई जुल्म और अत्याचार होगा तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, सरकार बने या न बने हमें इस बात की चिंता नहीं। और आपने देखा कि 3 तलाक को समाप्त करने की बात कही थी हम लोगों ने, चुटकी बजाकर 3 तलाक को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वह करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एटा, हरदोई और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज के डीएवी इंटर कॉलेज मैदान में फरुखाबाद लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सभा स्तर पर बुलडोजरों से आए समर्थकों ने स्टंट भी दिखाया। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम ने कहा किसानों की फसल हड़प जाते थे, बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं थी, सभा की सरकार अपराधियों को बचाने का काम करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम गोपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा उन्हें कैसे अच्छा लगेगा, वो आतंकवादियों को बढ़ाते हैं, जिन आतंकवादियों ने मंदिरों कचहरियों पर हमले किए। सपा की सरकार ने 2012 में वापस आने पर सबसे पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए हैं। प्रदेश की सुरक्षा, देश के सम्मान की चिंता उनको नहीं थी। पूरा चुनाव आज राम भक्तों के बीच में और राम द्रोहियों के बीच में बढ़ करके रह गया है। एक तरफ राम भक्त है जो कहते हैं हम भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य करेंगे, और दूसरी तरफ रामद्रोही है, कहते हैं हमारी राम में आस्था नहीं, राम मंदिर बेकार बन गया, यही बोल रहे हैं। ये हर जगह डकैती डालने में बड़े माहिर होते हैं और इसीलिए ये रामद्रोही बातों से नहीं मानते हैं, और इसीलिए हमने इसके लिए एक नया आविष्कार किया है और वह आविष्कार आपके सामने खड़ा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुरक्षा पर सेंध लगाने वाला गठबंधन है। हर व्यक्ति की जेब को मैं डकैती डालने वाला गठबंधन है। देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को भड़काने वाला गठबंधन है। यह गठबंधन तो राम मंदिर का विरोध करने वाला गठबंधन है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव को राम मंदिर कैसे अच्छा लग पाएगा, क्योंकि ये लोग तो आतंकवादियों को छुड़ाते हैं जेल से। देखा होगा आपने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने संकट मोचन मंदिर काशी पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने, बहन और भाइयों, जिन आतंकवादियों ने
लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था और जिन आतंकवादियों ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था, ये सभी हमले समाजवादी पार्टी की 2004 से लेकर 2007 तक की सरकार के समय हुए थे। वहीं सीएम योगी की जनसभा के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन नौजवानों की परीक्षाएं रद्द हुई वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहे हैं। आरक्षण को खत्म करने वाले लोग अब आरक्षण की बात कर रहे हैं। यहाँ भी तो ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें कोई लेना देना नहीं है मंगलसूत्र से। एक हैं बीजेपी के नेता जो फरकाबाद के लिए कह रहे थे कि फरकाबाद के लोग चूसे गन्ना हाईवे ले गए गन्ना। ये और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा गरीबों ने अगर गिरवी सोना रखा है तो बीजेपी की सरकार में रखा है। आप आंकड़े निकलवा लेना बैंकों से, महंगाई के कारण और अपनी व्यक्तिगत परेशानी और उनके कारण सबसे ज्यादा गरीबों को अपने बैंकों में सोना गिरवी रखना पड़ा। जो सोना गिरवी रखवा रहे हैं उन्हें क्या परिवारों से लेना देना। ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं। इनसे पूछो इस बार जो जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख × 3 1,80,00,000 इनके खिलाफ खड़े हैं और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे। रायबरेली में अपने भाई और कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के लिए जोर शोर से प्रचार में जुट गई पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली में बीजेपी पर निशाना साधती नजर आई। प्रियंका ने कहा बीजेपी की पूरी मशीनरी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बारे में झूठ फैलाती रही। बीजेपी की हर योजना सिर्फ खरबपतियों के लिए है और यही वजह है कि उसके नेता अपने चुनावी भाषणों में सिर्फ धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। ये लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब ये बात जनता के बीच में ज्यादा फैलने लगी तब पीएम मोदी ने चुनाव में नुकसान हो जाएगा इसलिए वो संविधान नहीं बदलने की बात कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिससे जनता कमजोर हुई है। इसलिए प्रधानमंत्री जी शुरू से हमारे मैनिफेस्टो पे ऐसे अजीब अजीब से आक्रमण कर रहे हैं कि हम जाके भैंस चुरा लेंगे, लोगों की एक्सरे मशीन, जाके लोगों के गहने घरों में ढूंढ लेंगे। अजीब अजीब से ऐसे बयान दे रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि हमें खुद देखना पड़ता है कि भाई ये क्या कह क्या रहे हैं, कहाँ से आई ये बात, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में तो है ही नहीं। तो ये खुद बना भी रहे हैं बात, बगैर पढ़े खुद बना भी रहे हैं, फिर उस बात को उछलवा भी रहे हैं मीडिया में। या आपने कह दिया भैंस चुरा रही है कांग्रेस, तो पूरी मीडिया में छा गए, पूरी मीडिया में यही चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आपकी दो भैंसे हैं, एक भैंस कांग्रेस चुराएगी। पर जनता से क्या मतलब है? ये आपने कोई फिजूल की बात कर ली, मीडिया ने उसको उछाल दिया, जनता तो फिर भी पूछ रही है ना कि मैं कैसे कमाऊंगा, मेरी खेती से कमाई कैसे आएगी, मेरे बच्चे को रोजगार कौन देगा। तुमने 5 किलो का राशन पकड़ा दिया है लेकिन मेरे भविष्य के लिए कुछ बताओ। तो जनता का तो मूड ये है, मेरे ख्याल से अब जनता समझ रही है। बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं। और ये जो इनके सबसे बड़े, तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शाहिनशाह है, लेकिन वो छोड़िए। लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं, आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को, देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला, मैं वहां गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं, अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं।
और अब बात करते हैं बिहार की। उधर बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। नेताओं के बीच 24 का सिंहासन जीतने के लिए बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार के लिए अभिशाप हैं। इस बयान के बाद बिहार में सियासत लगातार करवट बदल रही है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव बिहार के लिए अभिशाप हैं। इस चुनाव में पूरी तरह से नर्वस हैं और अब किसी तरह से वोट प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ये दलितों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का, सनातन के संतानों के हित की बात नहीं करेंगे। ये अपने वोट के लिए कोई भी सौदा कर सकते हैं। आरक्षण की बात तो छोड़ दें, ये राष्ट्र के साथ भी समझौता कर सकते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग हैं। इस मानसिकता के लोग अराजकता फैला सकते हैं और अराजकता के ये नायक हैं। ऐसे लोग राष्ट्र के हित में कतई नहीं है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बोरीवली के, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रोड शो करते हुए वोटों की अपील करी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आईएनडीआईए गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन के पास अभी तक कोई पीएम चेहरा नहीं है और ना ही कोई नेतृत्व है। इतना शर्मनाक है, वो देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है। ना नेता है कोई, ना नेतृत्व है, ना नीति है या ना नियत है। कोई सकारात्मक सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। पूरी तरीके से हताश कांग्रेस पिछली बार से भी आधी सीटों पर रह जाएगी। ऐसी स्थिति में अब उनके पास इस प्रकार के विवादित बयान के अलावा और कोई तरीका नहीं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल ने अपना अभियान तेज कर दिया है। सभाओं के बाद अब रोड शो करने लगे हैं। मनोहर लाल ने करनाल में रोड शो के दौरान कहा कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया और इसीलिए उन्हें इसका पछतावा है। वो उम्मीद खो चुके हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार पीएम मोदी ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस के लोग पूछ रहे हैं कि जब बीजेपी 272 सीटों के साथ सरकार बना सकती है तो उन्हें 400 सीटों की जरूरत क्यों है। उन्हें डर है कि सरकार मजबूत होगी तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेगी। बात ये, वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहाँ से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को हो गया। देश की सत्तारूढ़ बीजेपी, विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां चौथे चरण के चुनाव के प्रचार में लगी हुई हैं। इस दौरान सभी का एक दूसरे पर टिप्पणियों से हमला जारी है। वहीं आज केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लिया और जनता के बीच वो जाते नजर आए। वहीं ओडिशा में पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने भी आज रोड शो कर जनता के बीच जाने की ठानी। रोड शो के दौरान संबित पात्रा ने कहा कि आज चिलिका विधानसभा में हमारा रोड शो हुआ है और ये बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता का समर्थन है। ये जनता बीजेपी को समर्थन दे रही है। यहाँ लोगों को गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिला है। ओडिशा की 21 की 21 लोकसभा सीटें इस बार बीजेपी जीतेगी। संबित पात्रा ने देखिए रोड शो किया और वो इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आए कि इस बार
सारी सीटें ओडिशा में बीजेपी जीतने वाली है। और रोड शो में उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का ही असर है कि जनता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंची है, अपना आशीर्वाद दे रही है। तो संबित पात्रा को प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी का और यहां पर उन्होंने सभी से वोट अपील की। स्वाभाविक रूप से ये जो समर्थन है, ये कमल के फूल और सर्वोपरि ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याण नीतियों के लिए है। गरीब कल्याण योजनाओं का यहाँ बहुत असर पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, जो शहरी है, वहाँ कितना यहाँ मिला है। हर दूसरा घर प्रधानमंत्री के योजना के अंतर्गत, आवास योजना के अंतर्गत मिला है। स्वाभाविक रूप से ये लोगों में मोदी जी के प्रति उमंग और उत्साह है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और जो बोलते हैं बहुत कैलकुलेशन के साथ बोलते हैं, जो उन्होंने बोला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज झाबुआ पहुंचे थे। यहां सीएम यादव ने रोचो करते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ऐसी रेल में बैठी है जिसके ना आगे इंजन है ना पीछे, सिर्फ पटरी पर डब्बा खड़ा है। ऐसी रेल में बैठने से क्या फायदा। सीएम यादव ने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सहित कई कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस ने 60 साल तक देश पर राज किया, तब गरीबी नहीं मिटा पाए। जब गरीबी वो नहीं मिटा पाए तो अब वो गरीबी कैसे मिटाएंगे। कांग्रेस के शहजादे गरीबी को मिटाने को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लेकिन उनके बस की कुछ भी नहीं है। तो मोहन यादव जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए और सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं बल्कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी समेत तमाम कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के शासनकाल को भी उन्होंने चुनौती दी है कि जब वो तब प्रधानमंत्री रहते हुए देश की गरीबी और आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ नहीं कर पाए तो अब आखिरकार क्या कर पाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी ने बहरामपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ पठान के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान खुली छत वाले वाहन में सवार टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी और पूर्व क्रिकेटर पठान ने बहरामपुर शहर में एक व्यस्त मार्ग पर सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों को और समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। यूसुफ पठान का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी से है जो इस सीट से लगातार छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने निर्मल कुमार साह को मैदान में उतारा है। देखिए प्रचार लगातार चल रहा है और ऐसे में यूसुफ पठान के प्रचार की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रोड शो किया गया, जनता से वोट अपील की गई। यहाँ पर मुकाबला अधीर रंजन चौधरी से है जो लगातार छठी बार जिन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इस पर उनके प्रबल चांसेस जो हैं या कहा जा सकता है कि जीतने की परिस्थितियां जो हैं वो बनती तो नजर आ रही हैं, लेकिन ये जो रोड शो हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि मुकाबला यहाँ पर बेहद दिलचस्प रहेगा। तो पंजाब में लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां हाई है। इस बीच नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका धीरे से लगा। अमृतसर के पूर्व डिप्टी मेयर अविनेश जौली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश जौली ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को बिना किसी कारण समर्थन दिया था, लेकिन पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, ना ही आम आदमी पार्टी की कोई मीटिंग ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब के गांव नशे में बर्बाद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरे कान कान से सुनाई हुई है भाई भारतीय जनता पार्टी का कुछ डिफरेंसेस होने करके
थोड़ा रहा पर जो मेरी आत्मा सी वो भारतीय जनता पार्टी के ही सी कभी जो मेरा वोट है मेरी जो मैं अपनी जी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता रहा कोई सौखा काम नहीं है एडा बड़ा संघर्ष करना 25-30 साल संघर्ष किया है और कल्या रह के संघर्ष किया और पार्टी छड़िया भी नहीं पार्टी की सेवा भी करता रहा पर मेरा मिशन एक ही है भाई जो अं राजनीति में आए हाँ तो आप निस्वार्थ होके लोगों की सेवा करिए लोगों के काम आइए जो लोगों के दुख दर्द है उन्होंने अपना जो योगदान है उन्होंने पाइए समाज के और शहर को वधिया बनाने वास्ते प्रयास करिए जिहड़ा कोई गलत रस्ते तुर भी पिया उन्होंने सीधे रस्ते लियाण वास्ते मेरा जो सहयोग है वो चलता रहा चाहे कोई धार्मिक काम हो समाजिक काम हो हर जगह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अज जिथे जोली का ना आ जाता उत्थे पार्टियां सारिया खत्म हो जाएं कोई किसी पार्टी का ना नहीं लैंदा जो तो जोली आ गया जो जोली ने कहता चाहे वह कितना कट्टर भावे कांग्रेसी हो भावे अकाली दल हो जिते जोली का ना आ गया जोली के नाल लोग जुड़ते हैं जोली ने काम देखा जोली ने सारे ने नाल प्यार किया कोई मेरा विरोधी भी हो भी डट के काम किया अज उस करके जो लोग है वह मेरे नाल जुड़े आ इसी के साथ 24 के सिंहासन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।